वन पीस मांगा चैप्टर 1088 फाइनली आ चुका है, और जो लास्ट चैप्टर में जो सारी चीजें हुई थी उनके सारे के सारे आंसर हमको इस वाले चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। और सच में यार इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हुई है, थोड़ी बहुत इमोशनल चीजें भी इस वाले चैप्टर के अंदर हुई है। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते हैं इस वाले चैप्टर के ऊपर। तो बात करें इस वाले चैप्टर की कवर पेज की, तो यहाँ पर हमको एक कलरफुल कवर पेज देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर हमको हमारे दोनों लूफी को दिखाया गया है। एक तो है हमारा करंट वाला लूफी और दूसरा है जो अपना लाइव एडेप्टेशन आने वाला है वो वाला लूफी। क्योंकि कुछ दिनों बाद ही दो बड़ी चीजें होने वाली है, एक तो अपनी वन पीस की लाइव एडेप्टेशन वाली सीरीज, दूसरा ये अपना लूफी का गेयर 5 जो कि नेक्स्ट मंथ आने वाला है। शायद से इसीलिए अपनी मांगा एक वीक के ब्रेक पे चली गई है। तो चैप्टर 1088 का नाम रखा गया है द फाइनल लेसन, जो कि गाप ने कोबी को दिया था। जहाँ पर चैप्टर की शुरुआत होती है पुराने वाले नेवी हेडक्वार्टर से, जहाँ पर गार्प कोबी और बाकी नए ज्वाइन करने वाले मरीन्स को लेक्चर दे रहा था, एक तरीके से उनको ट्रेन कर रहा था। जहाँ पर गार्प सबसे क्वेश्चन पूछते है कि अगर तुम एक आयरलैंड पे फंसे हो जहाँ पर तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ा आदमी है और तुम्हारे पास एक ही बोट है जिसके अंदर बस दो ही लोग आ सकते थे, तुम दोनों में से किससे सेव करोगे? जहाँ पर कोबी जवाब देता है कि मैं क्या करूंगा, मेरी बोट उन दोनों को दे दूंगा और मैं अकेला उस वाले आइलैंड पे रह जाऊंगा। कोबी के ये बोलने के बाद में गार्ब उससे गुस्सा होता है, उसको चौक मार के फेंकता है, उसको बोलता है कि तू पागल है। गार्ब कोबी को बोलता है कि तू एक बुड्ढे को बचा के क्या ही कर लेगा, उसने तो उसकी लाइफ पूरी जी ली है, उसके लाइफ में बस गिन के कुछ दिन बचे रहेंगे, तो तुझे खुद को और उस वाले बच्चे को बचाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बड़ा है उस वाले बुड्ढे से, तो तुमको खुद को बचाना चाहिए। गार्ब की ये बात सुन के जो बाकी लेक्चरर रहे थे वो गार्ब को डांटते कि बच्चों को तुम ये क्या सिखा रहे हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है को दिखाया जाता है अमेजन लिली वाला सीन, जहाँ पर कैप्टन को भी अपने आप को ब्लैक बेयर पायरेट के हवाले कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक बेयर पूरे के पूरे 800 मरीन्स को अपने शिप के अंदर भर के निकलने वाला ही होता है। जहाँ पर कैप्टन को भी ब्लैक बेयर को बोलता है कि तुम मुझे हॉस्टेज बना लो और तुमने जो 800 मरीज को पकड़ के रखा है उनको फ्री कर दो। और उसी पैनल में हम देखते हैं एडमिरल यामाकुजी को, जो कि कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि उनके पास परमिशन ही नहीं थी कि वो सीधा जाके यांको से भिड़ ले, इसलिए वो कोबी को कुछ बोल भी नहीं रहा था क्योंकि कोबी तो स्वॉर्ड का मेंबर है। कोबी की ये सारी बात सुन के ब्लैक उसको बोलता है कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो हीरो, क्योंकि ब्लैक बेड का यहाँ पर फायदा होने वाला था, इसलिए ब्लैक बेड कोबी की बात को मान लेता है और उसको ऑस्टेज बना लेता है। उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है अपने प्रेजेंट डे पे, जहाँ पर ऑलो पिजारो अपने जायंट हाथ का यूज करके गार्प के शिप को कुचलने वाला था। जहाँ पर हम देखते हैं कि शिप के ऊपर जितने सारे मरीज थे वो सारे के सारे पैनिक कर रहे थे क्योंकि जो ऑलो पिजारो का हाथ था ना उसके ऊपर किसी भी कैनन का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको कुछ डैमेज ही नहीं हो रहा था। ये सब देख के सारे मरीज ने अपना होप छोड़ दिया था और वो सीधा शिप को अबार्डन करने का सोच रहे थे। उसके बाद हमको पायरेट आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गार्प को ज्यादा घायल होकर पड़ा है। वहाँ पर हेलमैप को कोबी और ग्रुस डर जाते बोलते हैं वाइस एडमिरल हम क्या करें, हमको कुछ बताओ, अगर हमने ऑलो पिजारो को उस वाली शिप को डिस्ट्रॉय करने दिया तो वहाँ पे हजारों सिविलियंस मारे जाएंगे। वहाँ पर गार्ब उनको बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग के लिए ओपनिंग क्रिएट करूंगा, उसके बाद तुम लोग उस पे अटैक करना। वहाँ पर गार्ब कोबी को बोलते हैं कि तुझे कुछ भी करके उस वाले हैंड को डिस्ट्रॉय करना है और रेयर एडमिरल ग्रुस तुम्हारा काम है कि हैंड डिस्ट्रॉय होने के बाद में जितनी सारी डेब्रिस नीचे गिरेगी उन सभी डेब्रिस को जमा करना और किसी को भी हार्म मत होने देना। और गार्ब हेलमेप को बोलता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए, इन लोग को तुझे प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पर कोबी ये सुन के अपने आप पे डाउट करने लगता है और बोलता है कि इतना बड़ा हाथ मेरे से कैसे डिस्ट्रॉय होगा। वहाँ पर गार्ब कोबी से बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस तुमको ये किसी भी हाल में करना पड़ेगा, हम यहाँ पर वार के अंदर है, यहाँ पर हीट ऑफ द मूवमेंट में हमको ऐसी कोई चीजें करनी पड़ती है जिसके बारे में हमको पहले सोचना नहीं पड़ता है। उसके बाद गार्ब की ये बात सुन के सारे मोटिवेट हो जाते हैं, वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ये सब देख के कोई पायलट बोलता है कि कोबी का ग्रुप वहाँ पे एक्शन में उतर चुका है, लेकिन बाकी के पायरेट्स कोबी का मजाक उड़ाते, वो बोलते कि कोबी बस एक नाम का हीरो है, वो तो गार्ब के बिना कुछ भी नहीं है। ये सब हो ही रहा था तब ग्रुस कोबी को बोलता है कि तुम तो उस वाले हैंड को डिस्ट्रॉय करने वाले हो ना, तो उसके लिए तुम्हारे पास में कौन सा गोला बारूद है। तो वहाँ पर कोबी बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अभी तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर ग्रुस कोबी को बोलते कि तू इतने कम टाइम में क्या सोच लेगा, वहाँ पर वो वाली शिप डिस्ट्रॉय होने वाली है। कोबी और ग्रुस भागी रहते तभी हम देखते कि पीछे से एक पैरेट उनके ऊपर एक मिसाइल फायर कर देता है, लेकिन वहाँ पर हेलमेप उस वाले मिसाइल के बीच में आ जाता है, वहाँ पर वो कोबी और ग्रुस को प्रोटेक्ट कर लेता है। वहाँ पर हेलमेप कोबी को बोलता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम बस अपना काम करो। उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते कि वहाँ पर गार्ब खड़ा हो चुका है, खुदान उसको बोल रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो इतना बड़ा ऊन लेके, तुमको क्या लगता है तुम अभी भी लड़ने लायक हो। वहाँ पर गार्ब खुदान को बोलता है कि बच्चे ये तो मेरे लिए बस एक स्क्रैच है, अभी तक क्या होता है। उसके बाद गार्ब खुदान को इतना जोर से पंच मारता है एकदम से सारी के सारी बिल्डिंग्स के ऊपर जंप करके ऊपर जाने का ट्राई करता है। फिर जैसे ही गार्ब बिल्डिंग्स
के ऊपर पहुंच जाता है वो एकदम से आवलो पिजारो के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा वाला अटैक कर देता है जिसका नाम रहता है गैलेक्सी डिवाइड। ये सब देख के सारे पायरेट्स एकदम से चौंक जाते हैं। उनको लगा था गार्प तो आधा डेड हो चुका है, लेकिन गार्प ने आवलो पिजारो की पूरी बत्तीसी तोड़ दी। वहां पर कोबी भी ये सब देख के हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि गार्प सामान ने हमारे लिए ओपनिंग क्रिएट कर दी, अब हमारा काम है कि हमको उस वाले हैंड को रोकना है। उसके बाद फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कोबी और हेलमेपो ने अभी अभी मरीन ज्वाइन करी रहती है और वो दोनों के दोनों गार्प के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहां पर गार्प सोच रहा होता है कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि कोबी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और उसके हाथ में हमेशा बैंडेजेस लगे रहती है, शायद से वो अपने आप को कुछ ज्यादा बीटअप कर रहा है। पर हम देखते हैं कि हेलमेपो गार्प को बोल रहा है कि उसने मुझे मना करा ये सब चीजें बताने के लिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ट्रेनिंग कर रहा है। उसको लगता है कि वो कुछ ज्यादा वीक है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही कम है, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर करने के लिए 10 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है। वहां पर गार्प हेलमेपो को बोलते है कि मेरे स्पेशल ट्रेनिंग के बाद भी वो फिर से ट्रेनिंग करता है। वहां पर हम देखते हैं कि हेलमेपो बोल रहा है कि जी हाँ वो डेली वही ट्रेनिंग करता है, तुम्हारे बैटल शिप बैक के ऊपर जाके वो ट्रेनिंग करता है, जबकि उसके हाथ से कुछ ज्यादा ही खून निकल रहा होता है, फिर भी उसने एक दिन भी स्किप नहीं करा है। उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कोबी उस वाले हैंड से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वहां पर सारे के सारे पायरेट्स एकदम से उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कोबी क्या कर लेगा। लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि वहां पर कोबी ने अपने सबसे बड़ा वाला अटैक कर दिया जिसका नाम रहता है हॉनेस्टी इंपैक्ट, जिसको देखने के बाद में सारे के सारे पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहां पर कोबी ने पूरा का पूरा हाथ डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है अपनी एक अटैक का यूज करके। उसके बाद हम आवलो पिजारो को देखते हैं जहां पर उसकी हालत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही भाई गार्प ने उसका जबड़ा तोड़ दिया था और यहाँ पर अभी कोबी ने उसका पूरा का पूरा हाथ उखाड़ दिया है। कोबी का ये पावरफुल अटैक देखने के बाद में सारे के सारे मरीन्स और सारे के सारे पायरेट्स एकदम से चौंक जाते हैं। वहां पर गार्प तो हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद हम ग्रुस को देखते हैं जहाँ पर वो अपने डेविल फ्रूट का यूज करके क्ले का एक वेब बना लेता है जिसके अंदर वो सारे के सारे डेब्रिस को जमा कर लेता है। और वहां पर भाई उस वाले अटैक के बाद में कोबी कुछ ज्यादा ही घायल हो जाता है, लेकिन हेलमेपो कोबी को नीचे गिरने से बचा लेता है और उसको सीधा शिप के ऊपर लेके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे मरीन्स एकदम से खुश हो चुके हैं। अभी वो बोल रहे कि अभी बस हमको वाइस एडमिरल गार्प को बचाना है, फिर हम आसानी से इस वाले आइलैंड से दूर जा सकते हैं। लेकिन उसी टाइम वहां पर गार्प का कॉल आता है। वहां पर गार्प सभी के सभी मरीन्स को बोलता है कि यहां पर इस वाले आइलैंड पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमने सक्सेसफुली कोबी को इस वाले आइलैंड से बचा लिया है, अभी तुम एक काम करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से निकल लो। गार्प की ये बात सुनके सारे के सारे मरीन्स एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और बोलते कि वापस चलो। वहां पर कोबी भी जोर जोर से रोने लग जाता है। वो बोलता है हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम ऐसा मत बोलो। वहां पर गार्प सभी को बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम किड्स की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ से, तुम सभी के सभी फ्यूचर हो मरीन का। गार्प की ये बात सुन के ग्रुस ऑर्डर देता है कि शिप को जल्दी से यहां से निकाल दो। उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते कि गार्प वहां पर पायरेट आइलैंड में पड़ा है और उसको फ्रीज कर दिया है कुजान ने, और उसके आजू बाजू में सारे के सारे पायरेट्स भरे पड़े हैं। इस वाले सिचुएशन में गार्प का बचना एकदम से इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि सारे के सारे टाइटैनिक कैप्टन ने गार्प को चारों तरफ से घेर लिया था। पूरा का पूरा फ्रीज होने के बाद भी वहां पर वाइस एडमिरल गार्प हंस रहा था, क्योंकि जिस चीज के लिए गार्प यहाँ पे आया था उसने वो वाली चीज पूरी कर दी, क्योंकि गार्प को लगता था कि फ्यूचर जनरेशन को बचाना चाहिए इसलिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते कि वहां पर फिर से पायरेट आइलैंड का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर न्यूज़पेपर में कुछ बातें लिखी आ रही है, जहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखा है कि यंग हीरो कोबी को सक्सेसफुली पायरेट आइलैंड से रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन लेजेंडरी हीरो गार्प के बारे में अभी कोई भी चीज पता नहीं है, वो जिंदा है या मर चुका है। और नेक्स्ट चैप्टर में यंग को स्ट्रॉ हैट लूफी एगहेड आइलैंड पे कब्जा कर लेगा। यहाँ पर ओडा सेंसेई हमको बोलना चाह रहा है कि अभी सीधा स्टोरी स्ट्रॉ हैट लूफी को फॉलो करेगी और हमको सीधा लेके जाएगी फ्यूचर आइलैंड पे। और इसी लास्ट मांगा पैनल के साथ साथ हमारा चैप्टर 1088 खत्म हो जाता है। और आज ऐसे ही मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक ब्रेक रहने वाला है अपने मांगा का, तो आपको क्या लगता है कि गार्प सच में मर जाएगा? क्या लूफी गार्प को बचाने आएगा? और क्या कुजान सच में धोखेबाज निकला कि उसने अपने खुद के मास्टर को धोखा दे दिया? ये सारी चीजें तो शायद से ही हमको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगी, तो इसके लिए तो हमको कुछ ज्यादा ही वेट करना पड़ेगा।